हे वेलकम बैक टू सचिन ग्राफिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी इलस्ट्रेटर की सीरीज चल रही है टूल्स के बारे में, पूरा सॉफ्टवेयर जो चल रहा है उसी सीरीज में ये जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट टूल के बारे में। आज पूरा जो है टेक्स्ट टूल को देखेंगे। वर्टिकल टाइप टूल है, उसमें एरिया टाइप टूल है, एंड टाइप ऑन ए पाथ, और ये जो भी बाकी सारी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो ये पूरा चीजें जो है कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें एंड चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एडोबी इलस्ट्रेटर में एक पेज लेंगे, फिर का एक पेज क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है टेक्स्ट टूल, ठीक है। तो यहाँ पे है फर्स्ट है टाइप टूल। टाइप टूल नॉर्मली आप जो है यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इसका जो है टाइप टूल का ही यूज होता है, ठीक है। तो इसको सिंपली जो है क्लिक करके एंड यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं जो भी आपको टाइप करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सचिन ग्राफिक, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट टूल इसमें जो है। अब इसको क्लिक करके रखना है तो बाकी सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, इस पर क्लिक करके होल्ड करना है, ठीक है। तो सेकंड है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक एरिया जो है वो बनाना होगा। कुछ भी हो सकता है, वो एक सर्कल हो सकता है या फिर रेक्टेंगल या फिर पेन टूल से आप जो है, पेन टूल का जो है ऑलरेडी जो है एक ट्यूटोरियल आ चुका है, तो अगर नहीं देखा है आपने तो जाके चैनल पे विजिट करें। ये हो गया एरिया एंड इसमें टाइप करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एरिया टाइप टूल। सिंपली एरिया टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे एंड जो भी रेक्टेंगल, सर्कल और किसी भी टाइप का एरिया हो सकता है, वो जो भी आप क्रिएट करना चाहें, जिस भी शेप को आप क्रिएट करना चाहें, ठीक है। तो सिंपली क्लिक करेंगे एंड देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये पूरा हो, इससे फिल हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जाएंगे, टी इज द शॉर्टकट फॉर टेक्स्ट टूल, बट इसमें आपको अगर एरिया टाइप टूल सेलेक्ट करना है तो उस पर क्लिक करके होल्ड करना होगा एंड सेलेक्ट करके देन सिंगल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं एक शेप है, एरिया टाइप टूल सेलेक्ट किया मैंने एंड सिंगल क्लिक से जो है ये पूरा फिल हो गया टेक्स्ट से। एरिया टाइप टूल के बाद आता है टाइप ऑन ए पाथ। इसके लिए सारी चीजों को डिलीट करते हैं एंड सबसे पहले एक पाथ बनाना होगा आपको। पेन टूल से एक पाथ बनाएंगे, ठीक है। एंड यहां पे देख सकते हैं, होल्ड करके रखें टाइप ऑन ए पाथ, सिंगल क्लिक करेंगे आप पाथ पे, स्टार्टिंग पे जो है क्लिक करेंगे सिंगल एंड देखिए यहाँ पे जो है ये पूरा आ चुका है जिस भी शेप में चाहे। इसके आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं पाथ को, चाहे तो जिस तरीके से आप चाहे उस तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज बढ़ा सकते हैं, सिंपली टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल ए से मैं पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ से आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप एक जो है मैंने इसका साइज बढ़ाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा ये रेड का जो रेड कलर में एक प्लस का आइकन आ चुका है, साइन आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका टेक्स्ट है तो ये ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपका पाथ जो है वो छोटा पड़ रहा है, तो या तो आप इसको डबल क्लिक करें एंड इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, सेम पाथ को ये रिपीट कर देता है एंड वहां से कंटिन्यू हो जाता है, और आप इसको इसका साइज जो है छोटा करें। देन नेक्स्ट आता है वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल सिंपली जो भी हम लोग टाइप करते हैं वो ओरिजिनली टाइप हो रहा होता है, तो वर्टिकल टाइप टूल से क्या होता है कि जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो वर्टिकली टाइप होने लगता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं सिंगल क्लिक करूंगा एंड देख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकली टाइप हो गया। यहाँ पे अब लिखूंगा मैं अगर सचिन ग्राफिक, ठीक है, तो देखिए जो वर्टिकली पूरा टाइप हो चुका है। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो और इसको डिटेल में समझाया जाए, यहाँ पे देख सकते हैं बाकी जो है अलाइनमेंट इसका दिया हुआ है, लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन, तो यहाँ पे लेफ्ट का जो है टॉप हो चुका है, राइट का जो है बॉटम हो चुका है एंड सेंटर अलाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये टूल काम करता है। देन इसके बाद आता है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। अब यहाँ पे वर्टिकल एरिया टाइप टूल लिखा है, सिंपली आपको एक जो है एरिया बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रेक्टेंगल बना लिया एंड देन यहाँ पे वर्टिकल एरिया टाइप टूल, अब इसको क्लिक करेंगे तो उस एरिया में ये जो है उस शेप में ये वर्टिकली जो है आपको टेक्स्ट को जो है आपके क्रिएटिव में जो है प्लेस करके दे देता है, ठीक है। तो ये हो गया, अगेन इसको डिलीट करते हैं। इसके बाद आता है वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ टूल। टाइप ऑन ए पाथ टूल आपने अभी देखा, अभी वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ, जो भी आप पाथ क्रिएट कर रहे हैं उस पर वो वर्टिकली टाइप करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पेन टूल से
हैंड टूल से एक शेप बना लेंगे एंड ठीक है। अब यहां पे है वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ, तो सिंपली क्लिक करेंगे जैसे ही देखिए यहां पे वर्टिकली जो है ये पूरा टाइप होने लगा ठीक है। तो ये है पूरा, आप अगर पाथ को जो है अगर आप हॉरिजेंटली भी बना रहे हैं एंड उस पर अगर आप जो है वर्टिकल टाइप टूल का जो है से टाइप करेंगे तो भी वो उसको वर्टिकली ही देख सकते हैं। यहाँ पे जो है पूरा ये 90 डिग्री जो है वो रोटेट हो चुका है टेक्स्ट ठीक है। तो यहाँ पे उसी केस में यूज करें आप इसको, जब आपको जो भी आपका टेक्स्ट है या फिर आपके क्रिएटिव में जैसे भी आप वर्टिकली कुछ अगर टाइप करना चाहते हैं तो वहां पे ये यूजफुल है ठीक है। देन आता है टच टाइप टूल। टच टाइप टूल है जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं सचिन ग्राफिक जो है इसको मुझे सबसे पहले तो इसको जो है ऑल कैप्स कर लेते हैं, कंपल्सरी नहीं है बट मैं कर रहा हूं ठीक है। देन आता है टच टाइप टूल, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट टी एंड सिंगल क्लिक। देखिए कुछ भी है इस पर सिंगल क्लिक करेंगे आप तो जो है एक अल्फाबेट जो है वो सेलेक्ट हो चुका है ठीक है। देन अगेन किसी भी अल्फाबेट को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इसका यूज क्या है, सेलेक्ट करके आप इसको मूव कर सकते हैं जहां पे भी चाहे बिना कन्वर्ट किए। तो ये काफी कूल जो है ये टूल है, लाइक कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे आप जो है टेक्स्ट को कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो वहां पे ये टूल जो है काफी हेल्पफुल होता है ठीक है। देन इसका जो है साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, देख सकते हैं, देन इसको रोटेट कर सकते हैं। सो इसको बड़ा कर दिया मैंने एंड इसको रोटेट कर सकते हैं जिस भी तरीके से चाहे, जिस भी एंगल पे चाहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड नेक्स्ट जो है ट्यूटोरियल होगा उसमें हम लोग पूरा पैराग्राफ जो है वो जो कैरेक्टर हैं पैराग्राफ एंड ओपन टाइप और वो सब चीजें जो हैं वो जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल पे न्यू है अगर तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।